अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद इकराम अहमद और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं MI9 Tech। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि अगर आप अपनी YouTube वीडियो के कमेंट बंद करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, या अगर आप बंद कमेंट दोबारा इनेबल करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। अपनी वीडियो एंड तक देखनी है और अच्छे से देखनी है, बिना स्किप किए। तो यहाँ पे सारा प्रोसीजर आपको बताने के लिए मैं लिए चलता हूँ आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आने के बाद आपने YouTube स्टूडियो में चले जाना है। YouTube स्टूडियो में जाने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कमेंट कैसे बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चलिए लेट्स सपोज मैं इस वीडियो की कमेंट बंद करना चाहता हूँ और ऑन भी करना चाहता हूँ। तो आपने वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिसकी कमेंट आप यहाँ बंद करना चाहते हैं या खोलना चाह रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको पेंसिल का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो वीडियो की ये एडिट मोड में आ जाएगी, आप देख सकते हैं कि वीडियो एडिट। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ जो सबसे नीचे आपको मोर में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टैग कैटेगरी कॉमेंट्स एंड मोर, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें कमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी वीडियो है इसके जो कमेंट हैं वो ऑन है, अलाउ हैं, यानी कि वीडियो के कमेंट अलाउ हैं। जो मेरी वीडियो पे कमेंट करना चाहे कर सकता है। अगर आप कमेंट बंद करना चाहते हैं तो आपने सिंपली डिसेबल पे क्लिक कर देना है, डिसेबल कमेंट। अब इसके बाद यहाँ पे आपके जो कमेंट होंगे वो बंद हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप दोबारा ऑन करना चाहते हैं तो सिंपली अलाउ ऑल कमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद थोड़ा सा और बैक आना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, यानी कि आपने कुछ चेंज किया है, तो चेंज करने के बाद यहाँ पे जो आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बता देंगे आपको कैसी लगी। और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें। उसकी वजह है कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।